दोनों में चाहिए, तो हमने ये कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप जो कुछ भी बजाओगे या फिर मूवी देखोगे, तो गाइस बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि Realme Lab क्या है और उनको Realme Lab पे एक वीडियो चाहिए था। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Realme X3 में जो लैब दिया गया है, लैब मीन्स Realme Lab, वो किस तरह से आप यूज कर सकते हो। बेसिकली Realme Lab जो दिया गया है वो पर्टिकुलर एक बार आप गाना बजाओ अपने फोन में और भैया स्पीकर में भी सुन लो, ब्लूटूथ डिवाइस में, साथ ही साथ आप हेडफोन में भी सुन सकते हो, मतलब एक ही समय में दोनों में गाना बजेगा। तो ये किस तरह से काम करता वही दिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो कीजिएगा लाइक। इन्फॉर्मेटिक वाली वीडियो चाहिए, जेन्युइन वीडियो चाहिए, तो चैनल को कर लेना मेरे भाई सब्सक्राइब। मैं इसी तरह से रोजाना वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों का डिमांड के हिसाब से हर रोज लाता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ चीजें चाहिए, स्पीकर चाहिए, तो स्पीकर को हम कर लेंगे फटाफट से, यहां पर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसे भाई प्रेस करके रखो। जी हाँ, ये टुनू टुनू हो गया है, आपको मिल गया है बत्ती का साइन, है ना। तो अब जो क्या करना है, आपको यहां पे इसे कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेरा कनेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, ये देख लीजिए कनेक्टिंग ले रहा है ना, ये मेरा कनेक्ट हो गया है, इसका टुनटुना बज गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना ये है कि आपको जस्ट सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा Realme Lab, है ना। अब Realme Lab का नाम लैब क्यों रखा गया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। Realme Lab में जाइए, देखिए अभी तो कोई भी फंक्शंस यहां पर नहीं आ रहा, खाली लिख रहा है ड्यूल मोड ऑडियो, है ना। तो इसे आप यूज करने के लिए क्या करना है कि आपको ब्लूटूथ डिवाइस ये कनेक्ट हो गया ऑलरेडी, अब जो है यहां पर आपको अपना कोई भी हेडफोन यहां पर इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट मतलब घुसेड़ दीजिए पिछवाड़े में, ये हमने घुसा दिया है। अब ये देखिए आ गया है ड्यूल मोड ऑडियो का ऑप्शन, है ना। अब जो है यहां पर हम इसे करेंगे क्लिक, अब जो है यहां पे खुल गया बहुत सारा ऑप्शन। ये मेरे को बता रहा वाइड ईयरफोन्स और बोट का स्टोन 200 का एक मेरा स्पीकर भी लगा हुआ है। तो अब जो है हमको क्या करना है, इसमें भी टैप कर देना है, यानी कि हमको दोनों में अब जो है यहां पे चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमको, गाना सुनना है, मूवी देखना है, जो भी करना है दोनों में चाहिए, तो हमने ये कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप जो कुछ भी बजाओगे या फिर मूवी देखोगे तो भैया यहां पे साउंड आपको इसमें भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको इसमें भी मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा आपको हम क्या दिखा दें, गैलरी में जाके मेरा ही वीडियो आपको दिखा देता हूँ मैं, है ना। मैं जाता हूँ रूट फोल्डर में और उसके बाद हमने ये एक वीडियो बनाया था, ये देख लो, ये हमने वीडियो बनाया था। स्पीकर ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, ये देखिए ये इसमें भी आवाज आ रही है। एक सेकेंड, थोड़ा सा फोन आ गया था, है ना, क्यों लेना चाहिए, इसमें इसमें आवाज आ रही है। साथ ही साथ सारे स्पेसिफिकेशन क्या प्राइस सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब जो है हो सकता है आपको यहाँ पे भी हेडफोन में भी सुनाई देता है, ये हेडफोन है, ये मैं हेडफोन इधर लगाता हूँ स्पीकर में, तो इसी टाइप से अभी जो है इसमें भी साउंड आ रहा है और इसमें भी साउंड आ रहा है। तो खैर आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी तरह से या कोई भी इशू आपको आ रहा है रिगार्डिंग टू दिस Realme Lab, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों के लिए फटाफट से जवाब देने के लिए 24 घंटा सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के लिए वहां पे उपलब्ध हूं, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो चलिए मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस चल रहा।